हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, जो भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए, उन सभी का वास्तु एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है आपके प्यारे इस चैनल पे। आज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज के ऊपर, हमने जो है 5-6 क्लासेस हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। बहुत बेसिक से मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं कि एक बिगनर जो बच्चा होता है ना, कहते हैं कि बहुत बेसिक से बिगनर जिसे हम कहते हैं, वो कैसे अब सीख सकता है मैथमेटिक्स को, कैसे वो अपनी मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है, ताकि वो उसे जो है किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो उसी चीज़ को लेकर के वास्तु एकेडमी जो है आप लोगों के लिए लेकर आया योद्धा बैच। और इस बैच में आज क्लास 7 है और 7वें दिन हम जो है क्लास 7वें दिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे हम चेंज करते हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी डेसिमल परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे और एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी भाई लोग हैं, सब सभी को लिए राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है वास्तु एकेडमी पे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी डेसिमल को हम उसको जो है फ्रैक्शन में कैसे उसको हम चेंज करेंगे, परसेंटेज में, कहते हैं ना कि कैसे उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। हमने जब शुरू में हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर जो है हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज करते हैं। उसके बाद जो है किसी भी डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, किसी भी जो है डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर कोई भी डेसिमल है, उस डेसिमल को हम कैसे परसेंटेज में हम चेंज करते हैं। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये होता है कि किसी भी डेसिमल परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन जो है, हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो परसेंटेज जो है डेसिमल में भी आ जाते हैं। उनको जब डेसिमल में दिया जाता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, बहुत जब बेसिक क्लास स्टार्ट हुई थी उससे पहले परसेंटेज की मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी। इंपॉर्टेंट जो है परसेंटेज में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब 1/2 हम लिखते हैं, तो असल में 1/2 है क्या? ये आप कहोगे कि सर ये 50% के बराबर होता है। 1/2 जो है वो किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। लेकिन ये डेसिमल के फॉर्म में कितना होता है? तो आप कहोगे कि सर ये 0.5 होता है, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में 0.5 ही होता है। क्योंकि जब हम इसको जो है डिवाइड करते हैं तो जो है हमारा 0.5 ही आता है। सिमिलरली ऐसे ही 1/3 को क्या परसेंटेज के हम क्या लिखते हैं? 1/3 की परसेंटेज क्या होती है? आप कहोगे कि सर जो है 1/3 की परसेंटेज होती है 33 से ही 1/3 परसेंटेज होती है। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखेंगे कि 0.3333 इनफाइनाइट। ये जो है इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट लगने का मतलब होता है कि ये संख्या अनंत तक जो है 3 बार जा रही है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 1/4 की परसेंटेज क्या होती है। आप कहोगे सर 1/4 जो है 25% के बराबर होता है। लेकिन 1/4 को हम डेसिमल के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? तो डेसिमल के फॉर्म में हम लिखेंगे 0.25, ठीक है। 1/4 की वैल्यू ये होती है, डेसिमल के फॉर्म में होती है 0.25। हमेशा याद रखें कि जो ये चीज़ आपको बताई जा रही है इसको आपको याद होनी चाहिए। 1/5, 1/5 जो है किसके बराबर होता है? आप कहोगे कि सर ये 20% के बराबर होता है। तो जो डेसिमल के फॉर्म में कितना होगा? 0.20 होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 1/6, 1/6 किसके बराबर होता है? तो आप क्या कहोगे कि सर 1/6 जो होता है हमारा, वो 2/16 से ही 2/3% के बराबर होता है। तो बेसिकली ये डेसिमल के फॉर्म में कितना होता है? 0.666 के फॉर्म में होता है। ये भी क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट तक जो है बढ़ते हुए चला जाता है, ठीक है। 1/7 को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर 1/7 होता है ना, वो जो होता है वो 14 से ही 2/3% के बराबर होता है। 14 से ही 2 2/3
सॉरी 2/7% के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये डेसिमल के फॉर्म में क्या होता है, तो डेसिमल के फॉर्म में हम लिखेंगे 0.14666। ये जो है इस तरीके से जो है क्या होगा, हमारा जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। तो एक चीज़ देखो कि सॉरी ये 66 नहीं होता है कि आप जो है जब आप 14 में जो है एक में 7 का जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0, एक बार गया, कितने आ गए 3, डेसिमल 0 गया, 7 चौक 28, कितने आ गए 2, फिर 0 आए तो 7 दुना के 14 आ गए, कितने आ गए 6 आ गए, फिर 0 है 7 8 56, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0.1428 समथिंग यहाँ से बढ़ते हुए चला जाता है। हालांकि ये कटेगा है नहीं, तो ये बढ़ते हुए जो है चला जाता है। ठीक है, अब इसी की तरह 1/8 को हम क्या लिखते हैं, आप कहोगे कि सर 1/8 किसके बराबर होता है, तो 1/8 जो है किसके बराबर होता है, 12.5% के। कितने लोगों को पता है कि 12.5% के बराबर होता है 1/8, आप हमें बता सकते हैं कितने लोगों को पता है कि जो है 1/8 जो है 12.5% के बराबर होता है। हालांकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए इस चीज़ को कि जब हम इसको जो है करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो ये डेसिमल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आगे को जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत आराम से सीखते हैं। 1/8 जो है किसके बराबर होते हैं, हमने कहा कि सर ये 12.5% के बराबर होता है, तो ये डेसिमल के फॉर्म में कितना होगा, आप कहोगे कि सर 0.1, हमने भाग दिया कि क्या हो गया 0.125 के बराबर हो गया, डेसिमल में ये कितना हो गया 0.125 के बराबर हो गया। 9 कितने परसेंट के बराबर होता है, आप कहोगे सर 11 से 1/9% के बराबर होता है, और इसकी डेसिमल में जो वैल्यू होती है वो 0.11111 इनफाइनाइट तक जो है हमारी जो है ये चली जाती है। सिमिलरली 1/10 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 10% के बराबर होती है, डेसिमल में कितना होता है, आप कहोगे सर 0.1 होती है। आप क्या कहोगे कि सर ये जो है डेसिमल में 0.1 के बराबर होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह 1/11 कितने परसेंट के बराबर होता है, आप कहोगे सर 9/1/11% के बराबर होता है। हालांकि ये जो है 9 सही 1/11% के बराबर होता है, लेकिन जब हम डेसिमल के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये बेसिकली होता क्या है कि 0.090909 इस तरीके से क्या है इनफाइनाइट तक हमारा ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली 1/12 की जो है कितने परसेंट के बराबर होता है, जितने लोगों को पता है हाथ खड़ा होकर के बोले कि 1/12 जो है कितने परसेंट के बराबर होते हैं। तो अब एक चीज़ देखो कि 1/12 है कितने परसेंट के बराबर, तो कोई कहेगा कि सर 8.5% के बराबर होता है, ऑफिशियली जाहिर सी बात है कि 8.5% के बराबर होता है, 8 से 1/3% के बराबर होता है। ये डेस जो है परसेंटेज के फॉर्म में है, लेकिन इसको जो है डेसिमल के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, आप कहोगे कि सर 0.8333 इनफाइनाइट तक हमारा जो है क्या होगा, ये जो है हम इनफाइनाइट तक हमारा जो है चला जाएगा डेसिमल के फॉर्म में होता है। 1/13 आप कहोगे कि सर 1/13 जो है फ्रैक्शन में कितना होता है, तो हमने क्या कहेंगे कि 7 सही 9/13% 7 सही 9/13% होती है, तो डेसिमल के फॉर्म में कितना होगा, तो डेसिमल के फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि सर 0.7 और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इसमें जब हम आप जो है 9 में यानी कि जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0 13 6 78 कितने मिल गए 2 1 12 डेसिमल 0 बन गए 13 5 65 78 91 13 9 117 यानी कि ये हो गया हमारे पास 0.769 समथिंग यहाँ से बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। 1/14 किसके बराबर होगा, आप कहोगे कि सर 1/14 7.1/7 के बराबर होता है। तो अब एक चीज़ देखो कि 1/7 को अगर हम भाग करें तो क्या मिलेगा हमें 0.0 मिल रहा है कुछ। 1/7 देखो किसके बराबर है 0.124 के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या कि जब हम जो है एक में यानी कि जो है 14 से हम भाग करते हैं तो क्या मिलेगा 0 0 जाएगा है नहीं, फिर क्या मिलेगा 0
100 हो गया, तो ये क्या हो गया 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 दो मिल गए, डेसिमल हुआ। आप बढ़ाओगे डेसिमल में मिलेगा दो, फिर एक जो है ज़ीरो बढ़ेगा, तो बेसिकली ये 200 के बार में चला जाएगा, हालांकि जो है ये नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार ले जाओ 14 हो जाएगा 6, डेसिमल 0, यानी कि 14 चौका 56, 4 0 28, 14 दुना के 28 कितने हो गए 2 1 हो गए 12। अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 20, 14 7 98, 14 8 112। तो बेसिकली ये है क्या, ये है डेसिमल के फॉर्म में आपको मिलेगा 0.071428 समथिंग। आप बढ़ाते ही चले जाओ इनफाइनाइट तक, जब तक बढ़ाते ही चले जाओ जब तक ये कटे ना। तो एक चीज़ आप देखो कि जब ये वैल्यू जो है डेसिमल के फॉर्म में कैसी है, आपको ये याद होनी चाहिए कि कैसे डेसिमल के फॉर्म में ये वैल्यू जो है रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। 1/15 किसके बराबर होता है? अब कोई कहेगा कि सर 1/15 किसके बराबर होता है, कितने परसेंट के बराबर होता है 1/15? तो आप कहोगे कि सर 1/15 होता है वो 6 से ही 2/3% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है? 6 से ही 2/3% के बराबर होता है 1/15। तो इसको हम लिखेंगे क्या, बेसिकली 0.06666, इस तरीके से हमारा क्या होता है 66 इनफाइनाइट तक जो है हमारा जो है ये चला जाता है। तो ये हमने क्या लिखा कि यहाँ से हमने जो है 1/2 से लेके 1/15 तक, आप जो है 1/ हम ये कह सकते हैं कि जो है आप 1/18 की भी वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं, 1/19 की भी वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं, 1/20 आपको पता है कि 1/20 जो है किसके परसेंट के बराबर होता है, 5% के बराबर होता है, 5% के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू देखो 1/19, आप कहोगे कि सर 5 से ही 5/19% के बराबर होती है। 1/18 को आप कहोगे कि सर ये 5 से ही 5/9% के बराबर होती है। लेकिन जब हम इनकी डेसिमल में वैल्यू हम जब हम निकालते हैं, यहाँ पे समथिंग हम कुछ डाल देते हैं कि समथिंग हमारा जो है, हमने कहा कि डेसिमल की में वैल्यू हमने कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर लो 0.05 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू है। अब एक चीज़ देखो कि जब क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं कि परसेंटेज आपको दिया रहेगा, वो दिया रहेगा डेसिमल के फॉर्म में, कहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ से आप क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी हम एक टॉपिक उसमें और पढ़ेंगे कि डेसिमल परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं एग्ज़ाम में तो उसमें कहीं कहीं वैल्यू जो है हमारी डेसिमल में दी हुई होती है, तो डेसिमल में दी हुई होती है तो हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसको डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि एक क्वेश्चन हमने दिया कि इसको जो है पहले जो है सबसे पहले इसको जो है डेसिमल को हम पहले फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे हमने कहा कि 1/5 है, एक क्वेश्चन हमने लिया 1/5, इसको आपको क्या करना है जो है डेसिमल यानी कि जो डेसिमल में दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में जो इसको सॉरी इसको जो है परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी डेसिमल को हम कैसे जो है परसेंटेज में कैसे उसको चेंज करते हैं। तो देखो डेसिमल में दिया हुआ है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक कि हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है 100 से गुणा कर लें, हटा दें, 100 से गुणा कर लें 150% के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, जाहिर सी बात है हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ देखो कि हम डेसिमल है तो हम इसको सीख कैसे रहे हैं, बेसिकली इसको 1.05 को हम क्या लिखें, 1+0.5 लिखा जा सकता है, आप कहोगे सर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं, 1+0.5 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 1+ इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, डेसिमल में 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर होती है। तो अब बेसिकली ये है क्या, अब ये चीज़ें देखो, एक अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है, आप कहोगे कि सर 100% के बराबर होता है, तो एक अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर होता है। 1/2 अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है, कहोगे कि सर 1/2 50% के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 50%, तो ये जोड़ के कितने हो गए,
150% के बराबर हो गए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 1/1.5 जो है 150% के बराबर होता है। मैंने आपको ये सिर्फ ये बताया कि किसी भी डेसिमल को उसको परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये टॉपिक पहला था। जो हम और आगे पढ़ेंगे कि वो टॉपिक ये होगा कि आपका सवाल इस तरीके से नहीं आएगा कि डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करो, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1.5% दिया है, 1.5%। अब ये चीज़ें परसेंट में, डेसिमल जो है दिया है परसेंट में, उसको कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक दूसरा क्वेश्चन लिया, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि जो है सर ये बताओ कि 18.75 को जो है आप जो है परसेंटेज में बताओ कि कितना होगा। तो एक चीज़ देखो बेटा कि 18.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस इसको हम क्या लिखते हैं 0.75। तो अब एक चीज़ देखो कि हमने जो है अभी पढ़ा था कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.5 होती है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/4 है वो किसके बराबर है 0.25 के है। तो अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो ये भी तीन गुना तो कितना हो जाएगा 3/4 बराबर ये हो जाएगा 7.55। तो असल में हम इसको लिख सकते हैं कि 18 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 हम लिख सकते हैं। तो जब हम इसको परसेंटेज में जब हम चेंज करते हैं तो हमें पता है कि हम 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से जब अंदर गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 18 गुणे 100 प्लस 3/4 गुणे 100। तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 18% के बराबर होगा, प्लस में 3/4। तो 3/4, अब एक चीज़ देखो कि ये क्या है 3/4, इसको परसेंटेज में हम कैसे चेंज करते हैं। अब ये 3/4 है कैसे कहोगे, तो बेसिकली ये 3/4 है क्या, ये तो 75% के बराबर ही तो होगा। 3/4 है क्या 75% के बराबर है कि नहीं, ये 3/4 है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहोगे कि सर ये 75% के बराबर है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये 1800 होगा, ठीक है 1800% के बराबर है। अब इसको क्या करो, जोड़ दो तो कितने आ गए 1875% के बराबर हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18.75 की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में वो 1875 के बराबर होती है। बात समझ में आई, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। हम ये सीख रहे हैं कि कैसे कोई भी अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे हम उसको जो है चेंज करते हैं, हम इस चीज़ पे जो है फोकस कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगर किसी और बच्चे को अगर समझ में ना आए, किसी और भाई को समझ में ना, बहन को अगर ना समझ में आए, तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी ने कहा कि आप ये बताओ कि उन जो है 8.3 जो है 3.33 है इसको जो है आप जो है मुझे परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज में क्या होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखें आप कि 8.33, तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 प्लस इसको क्या लिखते हैं 0.33 लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो अगर जो है ये 0.33 है तो बेसिकली ये है क्या 8 प्लस 1/3 के बराबर होगा, होगा या नहीं। बेसिकली ये 0.3 है क्या साथियों, कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.3333 होती है, इनफाइनाइट तक होती है। तो ये भी वही वैल्यू हो जाएगी यानी कि 1/3 के बराबर होगी। तो अपने आप में 8 कितना होता है 800% के बराबर होता है, प्लस 1/3 आपको पता है कि कितने परसेंट के बराबर होता है 33.1% के बराबर होता है। तो आप दोनों को जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा 833.1% के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 8.33 को हमने जो है डेसिमल परसेंटेज में जब कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया 833.1% के बराबर होता है। ठीक है, अभी भी डाउट हो तो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि जो है आप ये बताओ कि 19.5 है,
इसको आपको जो है परसेंटेज में आपको बताना है कि 19.5 को परसेंटेज में बताओ कि 19.5 कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने क्या करा कि हम इसको क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे प्लस 0.5 लिखेंगे। तो 19 और 0.5, अब एक चीज़ देखें आप कि 19 अपने आप में कितना होता है, 1900% के बराबर होता है, प्लस ये है, सॉरी 19 प्लस ये है क्या 1/2। तो आपको पता है कि 19 जो है अपने आप में कितना होता है, 19% के बराबर होता है, 1900% के, प्लस 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है। आप कहोगे कि सर ये जो 50% के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 1950%। यानी कि 19.5 की वैल्यू जो है परसेंटेज में 1950 के बराबर होती है। ठीक है, अभी भी लग रहा हो कि किसी भी बहन को किसी भी भाई को समझ में नहीं आया कि कैसे हम डेसिमल को परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे इसको हम बदल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आराम से सीख रहे हैं, क्वेश्चन को और भी आराम से डिटेल से जानते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी बच्चे ने कहा कि आप ये बताओ कि 4.666 या फिर कभी कभी इस क्वेश्चन को कैसे दे देता है घुमाने के लिए कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, तो इसको ऐसे देगा 4.667 दोनों एक ही वैल्यू हैं। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो है डेसिमल में दो अंक के बाद अगर वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा होती है तो हम एक क्या करते हैं, उसके पहले वाले जो है अंक में जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो सेम वही इसने किया हुआ है कि 4.6666 है लिखा हुआ है, तो इसको जो 4.67 के रूप में भी इसको जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अब एक चीज़ देखें आप कि बेसिकली 4.66 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 4+0.666 हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। अब आपको पता है कि 4+0.66 किसके बराबर होता है, तो आप एक चीज़ देखें कि 0.666 किसके बराबर होता है, 1/15 के बराबर होता है, यानी कि 1/15 के बराबर होता है, 1/15 के बराबर होता है। 4% अपने आप में कितना होगा, 400% के बराबर होगा। 1/15 अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगा, 6/2/3% के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, हम कह सकते हैं कि 406/2/3% के बराबर हो गया। किसी भी वैल्यू को अगर हम जो है उसके जो है डेसिमल के फॉर्म में हम लिखते हैं, किसी भी डेसिमल को उसके जब परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हमेशा याद रखें कि कैसे उसको हम जो है चेंज करते हैं। आप तब तक इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो जब तक ये डेसिमल वैल्यू आपको पता नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा बार बार ये चीज़ें कहता हूँ कि आप डेसिमल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि इसको जो है 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है, उसका जो है डेसिमल फॉर्म कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होगी ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो, बहुत ट्रिकी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बताएगी। जैसे एक क्वेश्चन और आगे लेकर के चलते हैं, हमने कहा हम तो अभी ये सीख रहे हैं कि कैसे हम इसको जो है डेसिमल में कैसे इसको हम चेंज करते हैं, सॉरी डेसिमल को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, हमने ये सीख रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जो देता है वो ये देता है कि डेसिमल परसेंटेज में दिया होता है, उसको कैसे हम जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं, उन सारी चीज़ों को आगे सीखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं समझाने के लिए कि जिसको भी अगर ना समझ में आया हो। हमने कहा कि ये बताओ, हमने कहा कि जो है 7.125 है, इसको आप मुझे जो है परसेंटेज में बताइए कि ये परसेंटेज में कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर कुछ करना है नहीं, 7 ऐसे लिखना है प्लस इसको लिखना है 0.125। अब आपको पता है कि 7 जो है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 700% के बराबर होता है, और 0.125 किसके बराबर होता है। आप कहोगे कि सर 1.05 जो है 1/8 के बराबर होता है, यहाँ पर देखें कि 1/8 के बराबर होता है डेसिमल के फॉर्म में। तो हम इसको जनरली जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 7+1/8 लिख सकते हैं। अब 7 जो है अपने आप में कितना होता है, 700% होता है, प्लस 1/8 कितने परसेंट के बराबर होगा। आप कहोगे कि सर जो है 12.5% के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 12.5%। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना होगा,
712 से ही 1/2% के बराबर होगा। यानी कि हमने ये कहा कि 7.125 जो है डेसिमल में जो दी वैल्यू दी हुई है उसको हमने परसेंटेज में जब चेंज करा तो ये वैल्यू निकल करके आई 712 से ही 1/2% के बराबर आई। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे कि कैसे हम डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में कैसे हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। अभी भी नहीं होगा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट आप एक क्वेश्चन और बताएं कि एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। जब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे हमने कहा कि किसी ने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू जो है कितनी होगी अगर हम इसको जो है करना चाहें तो। हमने कहा कि अगर जो है हमने कहा कि 6.0769 इनफाइनाइट तक है। अब इसकी जो है वैल्यू आप परसेंटेज में बताओ। आप कहोगे कि सर इसको जो परसेंटेज में कैसे हम बदलेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है आपको। क्या करना है, जिसको लिखना है 6 प्लस इसको क्या लिखोगे 7.69। ठीक है, असल में जो 6 है, अब एक चीज़ देखो 0.0769 ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर ये ज़ीरो है, यहाँ पे 0.0769 ये किसकी वैल्यू है 1/13 की। तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होता है 100% के बराबर होता है। जैसे मैं अपने आप में कितना हूँ 100% हूँ। जैसे आप अपने आप में कितने हैं 100% के बराबर हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं, आप अपना 100% लगाना चाहते हैं। भाई कहते हैं ना कि हम अपना 100% लगाना चाहते हैं, तो वही है कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो छः अपने आप में कितना है 600% के बराबर होता है। ठीक है, प्लस 1/13 की वैल्यू आपको पता है कि 7.09/13% के बराबर होती है। जोड़ दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 607.09/13% के बराबर हो गया। तो जस्ट सिंपल सी होगी कि 6.0769 जो परसेंटेज डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ था परसेंटेज में कितना होगा 607.09/13% के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होगी कि कैसे हम जो है किसी भी डेसिमल में जो वैल्यू दी हुई होती है उसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो इतना जो है समझ गए आप। इस पे जो है कम से कम जो 50 सवाल लगा सकते हैं, 50 से ऊपर ही सवाल लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा सवाल लगा सकते हैं। जब उससे ज़्यादा आप सवाल लगाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि डेसिमल प्रतिशत को कैसे हम जो है फ्रैक्शन में उसको जो है चेंज करते हैं। तब तक के लिए जो है राम राम, नमस्ते।